स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए सामान्य ज्ञान की 16वीं वीडियो लेके आ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने ग्राम विकास अधिकारी के लिए फॉर्म भरा है तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध करा दिया गया है। आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एग्जाम में आपको 15 ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं और ये पूरी तरह एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें। इसके साथ साथ अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राम विकास अधिकारी के लिए सामान्य ज्ञान की 16वीं वीडियो। और यहाँ पर इस वीडियो में कुल मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में है, और आपके चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो आपको जो भी इसमें से सही लगता है आप हमें कमेंट करके तुरंत बताते रहिए। इसका सही उत्तर है सी, मतलब कि एक संबंधे एक, यानी कि तीनों पट्टियां समान लंबाई की होती हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है, गहरा केसरिया रंग, अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताइए। आपका सही उत्तर होगा ताकत और साहस। हम आपको बता दें कि इंडिया जीके के लिए यह तीसरा पार्ट है, हालांकि इसके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। ये पार्ट के क्वेश्चन बेहद आसान होंगे। अगर आप वास्तव में इससे और हार्ड क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको इसका अगला पार्ट देखना चाहिए और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान है, आपको बताना है राष्ट्रगान, दो होता है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, सही उत्तर है जनगण मन। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय नदी, चार ऑप्शन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, सही उत्तर है गंगा, और गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये लगभग 2500 किलोमीटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, जलीय जीव, तुरंत अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। आपका सही उत्तर है डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पशु, सही उत्तर है बाघ। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, हमने अभी आपसे बताया कि इसके क्वेश्चन बेहद आसान है। अगर आप इससे हार्ड क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको इसका अगला पार्ट देना चाहिए और वो ऑलरेडी अपलोड है। सबसे ऊपर होता है गहरा केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़, ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, सही उत्तर है बरगद। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है, अभी हमने आपसे राष्ट्रगान पूछा था, अब है राष्ट्रीय गीत, तो इसके लिए सही उत्तर है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल, तो सही उत्तर है आम। अब आपके लिए एक सवाल है, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन है, राष्ट्रीय मिठाई, इसका उत्तर आप हमें अभी कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग है, तो बेहद आसान सवाल, तो बीच में है सफेद रंग। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा है, तो सबसे नीचे होता है हरा रंग। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल कौन है, तो आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल, इसका सही उत्तर है हॉकी। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो सही है 3:2। यहां पर हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता सकें। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत देता है, जो सफेद है क्या बताता है, तो सही उत्तर है शांति और सत्य का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दिखाता है, जो हरा रंग होता है सबसे नीचे,
ये होता है विकास और उर्वरता का प्रतीक। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो बेहद आसान सवाल और ये होता है 24। अब आपके लिए दूसरा सवाल, जो तीलियां होती हैं 24, उनका रंग कौन सा होता है? आप हमें कमेंट करके बताइए, कलर 24 तीलियों का कलर कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। सही उत्तर है 22 जुलाई सन 1947 को। अगला क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर है मदर टेरेसा। हालांकि ये विदेशी थी लेकिन इंडिया की इनको नागरिकता मिल गई थी उस समय जब इनको नोबेल मिला। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, आपको बताना है भारत रत्न, तो ये मिला था सबसे पहले इंदिरा गांधी को। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि प्रथम महिला चिकित्सक का नाम बताना है आपको, महिला चिकित्सक प्रथम, तो यह है कादम्बनी गांगुली। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, तो बेहद आसान सवाल और ये है मोर। राष्ट्रीय पुष्प तो ये है कमल। अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये है अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, बेहद आसान सवाल और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तुरंत कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है मनमोहन सिंह। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए तथा हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फाइनली स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।